अशोक चौहान जी मुकुल वासनिक जी नितिन रॉक जी विलास भुतमवार जी छगन भुजबल जी कवाने जी रंजीत देशमुख जी विकास ठाकरे जी राजेंद्र मुलक जी हमारे कैंडिडेट्स नाना पटोले जी किशोर गजवीय जी सीनियर नेता एनसीपी कांग्रेस बाकी हमारे अलायंस पार्टनर्स से यूथ कांग्रेस एनएसयूआई महिला कांग्रेस सेवा दल इन तक के हमारे अब लोग सब पार्टियों के कार्यकर्ता भाई और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने कहा 15 लाख मिल रहे हैं आपको आगे बैंक अकाउंट में, कोई है यहां पे जिसको नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए अकाउंट में डाला? नहीं है ना। हर भाषण में 2014 के कैंप में हर भाषण में नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए देने की बात करते थे, वायरल बहुत, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, 15 लाख रुपए, एक शर्त थी प्रधानमंत्री बना दो। उसके बाद जो भी आपके सपने हैं नरेंद्र मोदी पूरे कर देगा, और आज आपके सामने सच्चाई आ गई, ना 15 लाख, अब कांग्रेस पार्टी काम करती है, वो वायदे करते हैं। मैंने सोचा जो उन्होंने वायदा झूठा वायदा, क्यों नहीं हम उस वायदे को पूरा करने की कोशिश करें। नहीं है, मैं इसको आइडिया को टेस्ट करना चाहता था, मुझे माना ही था कितना पैसा हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है, मालूम नहीं था। इसलिए मैंने अपने किसी भी भाषण में इसके बारे में नहीं चर्चा की। 6 महीने पहले मैंने कॉलेज के जो हमारे इकोनॉमिक्स हैं कहा कि भैया मुझे फ्री चाहिए, मुझे लंबा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक नंबर, आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान का सवाल है, इसका आप मुझे जवाब दीजिए। 2 महीने 3 महीने 4 महीने इतना काम करना कीजिए, इससे पूछना पूछिए। बहुत महान इकोनॉमिस्ट हैं रघुराम राजन जी हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे जाके पूछिए, हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट से पूछिए मदद। 2 ही महीनों में मुझे एक काम, कुछ दिन पहले
देते थे, ये है वो नंबर। इससे ना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, उनका फायदा होगा। और ये नंबर है, नंबर 72,000 रुपए। मैं सही बोलता हूं, मैं आपके साथ लंबा लंबा रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि झूठ जो होता है वो कुछ ही दिनों में पता लग जाता है। और मैं यहां 2-3 दिन की राजनीति करने नहीं आया, मैं आपके साथ मैं खड़ा होकर 15-20 साल काम करना चाहता हूं आपके साथ। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी, उनकी उम्र है, तो उनको थोड़ी घबराहट होती है, भाई सब कुछ जल्दी करना है, वो झूठ बोलते हैं। मगर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये 72,000 नंबर के बारे में थोड़ा सा आप चाहता हूं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान में आज भी गरीब लोग, यूपीए की सरकार के समय 140 करोड़ नहीं 14 करोड़ मिलियन लोगों को हमने गरीबी से निकाला था। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों लोग एक बार फिर गरीबी में डाला। हमने एक लाइन बना ली, और जो यहां छोटा धंधा चलाते हैं, जो किसान आए हैं, जो मजदूर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, 12,000 रुपए प्रति महीना हमने लाइन बना दी, और हमने हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं, वो हमने निर्णय लिया है गरीबी पे कांग्रेस पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। धमाके से नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बोला ना, 72,000 और 3,60,000 पांच साल में। मैं आपको यहां से गिनती दे रहा हूं, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खुद आए। आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अर्जुन आप देखता था, मछली के आप देखता था, मैंने अपना लक्ष्य देख लिया है, मैं उसके अंदर की मानता हूं, और मुझे और कोई नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 3,60,000 हिंदुस्तान की सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर कांग्रेस की डाल के दिखा दी। अब
पैसा कहां से आएगा? जब गरीबों को पैसा देने के लिए एकदम बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा? जब अनिल अंबानी को पैसा देने का टाइम आता है तो कहते हैं हमें तो मालूम है कहां से आया था। कहां से आएगा भैया? गरीबों से आएगा। नोटबंदी का लाभ उनके जेब से पैसा निकाल के देंगे और कैसे आएंगे? तो मैं नरेंद्र मोदी जी और हमारा चीफ मिनिस्टर को समझा देता हूं, अनिल अंबानी की जेब से पैसा आए जनता की जेब में जाएगा। वो जो चोर है उनकी लिस्ट है आपके पास, विजय माल्या, नीरव मोदी, रक्षी, ललित मोदी, उनकी जेब से आएगा। भाइयों में ना पैसे की कोई कमी, उदाहरण लेता हूं, यहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने कर्जा माफी की, पैसा मिला आपको? जिला यहां पे 2 साल पहले धूमधाम से कर्जा माफी की, और वो भी इतना दबाव डाले, विदर्भा में दबाव डाला, महाराष्ट्र में डाला, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में दबाव डाला। किसान पदयात्रा के बाद किसान पदयात्रा कांग्रेस पार्टी ने, हमारे यहां पार्टनर जो उन्होंने सब दबाव में आके उन्होंने कहा हाँ भैया बड़े का कर दिया, कैसा आया आपके बैंक अकाउंट? कुछ दिन पहले हमारा ये मध्य प्रदेश इधर राजस्थान में चुनाव, और जैसे आज मैंने यहां कहा और भाइयों और बहनों 10 दिन ही लगे, 2 दिन तीनों चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन में किया और सीधा पैसा बैंक अकाउंट में गया। चाहिए छत्तीसगढ़ चाहिए मध्य प्रदेश राजस्थान जाइए पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए धान के लिए दिया जा रहा है, जमीन अधिकरण बिल में लिखा था किसान से जमीन बिना पूछे नहीं सकती। मार्केट रेट से 4 जाइए पूछिए स्तर में क्या हुआ। किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन उनको वापस दी गई, टाटा कंपनी ने वहां 5 साल में कुछ नहीं किया। तो मैं यहां से न्याय की बात कर रहा हूं, मुझे न्याय में इंटरेस्ट है। आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ कर सकते हो, तो फिर आप किसान का क्यों नहीं माफ करोगे? अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है, कुछ ही दिन पहले वो जेल जा रहा था। अखबार में आपने पढ़ा होगा जेल जा रहा था, बनाने वाली कंपनी ने खरीद लो उसको, पूरा इनोग्रेशन हुआ, यहां गडकरी जी गए धूमधाम से, अंबानी जी
ट्रिब्यून के साथ 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया इसने, एक हवाई नहीं बनाया। विदर्भ के किसी मजदूर को क्यों ना मिले, उसने किया है। मैं समझ सकता हूं अगर उसने हवाई जहाज बनाया है, समझ है बैंक में पैसा है, मैं समझ सकता हूं, ना उसके पैसा है ना हवाई जहाज की समझ है। उसके सब बिजनेस एक लो एक वाले है, जिनको आपने खत्म किया नोटबंदी करके गब्बर सिंह टैक्स लगा के मारा, उनको कभी नहीं कर्जा माफ हो सकता। उनका 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हो, तो किसानों का क्यों नहीं माफ। मगर मिलने गया सीधा हवाई जहाज में घुसकर लंदन गया, पता नहीं क्या सौदा हुआ, प्राइवेट हवाई जहाज में क्या हो क्या मालूम। मगर जाने से हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हां मिला था, जाने से पहले मिला। मेहुल चौकसी अरुण जेटली बेटी के बैंक अकाउंट में पैसा डालता है, रिकॉर्ड है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी मुझसे मिले, मीटिंग हुई और मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा ₹526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज आप 1600 करोड़ रुपए में खरीदिए, हिंदुस्तान में नहीं बने, फ्रांस में बनेगा। एक शर्त है ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को देना है, फ्रांस का राहुल गांधी ने फ्रांस देखी नाम हॉलैंड,
सीनियर डायरेक्टर को मिलती है कहता है मैं तो इंक्वायरी करूंगा। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। जनता देखती रह गई। 5 साल बाद पता लगा भैया नारा बदल गया, चौकीदार चोर। और छोटी चोरी नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। चुनाव बाद आप देखिए, मैं बताता हूं, आप देखिए हुआ क्या। चौकीदार ने चोरी की, डिफेंस मिनिस्टर कहता है, प्रेस के हमारे मित्रों ने उनसे पूछा भैया आप ये जो नई डील हुई है इसके बारे में क्या सोचते हो, कहता है मैं कुछ नहीं जानता। हम चाहते थे कि विदर्भ का किसान अपना मत सिर्फ हिंदुस्तान में ना बेचे, हम चाहते थे विदर्भ का किसान अपना माल लंदन की सुपरमार्केट, अमेरिका की सुपरमार्केट, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना चाहता हूं कि मेड इन विदर्भ चाइना में दिखाई दे। चाइना का कोई युवा फल खाए डब्बे पे दिखाई दे मेड इन विदर्भ। विदर्भ को हम हब बनाते थे, सिंगापुर जैसा, दुबई जैसा। एक तरफ सिंगापुर, दूसरी तरफ दुबई,
क्या काम हुआ उस प्रोजेक्ट का? वहां अनिल अंबानी को जमीन दी, रामदेव जी को जमीन दी, जो आपको हब बनाना था, जो विदर्भ किसान की मदद करनी थी, उसका क्या हुआ? उसी से रोजगार मिलेगा। उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक ही एक्शन से दो तीन चीजें की जा सकती हैं। मैंने 72,000 की, इसके पीछे एक सोच मैंने आपको बता दी, गरीबी को मिट गरीबी की स्ट्रेटजी को स्ट्रैक करनी है। दूसरी सोच बता देता, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, आपके जेब से पैसा निकाल कर नीरव मोदी मेहुल चौकसी के जेब में डाल दिया, वो पूरा पैसा हिंदुस्तान से बाहर चला गया, जब आलिया लंदन में बैठा 10,000 करोड़ लेके चला गया। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लाए, छोटे दुकानों स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को नष्ट किया, उनसे पैसा निकाल के फिर उन 15 लोगों को दिया। टेलीफोन आपकी जो परचेजिंग थी वो कम हो गई, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। 72,000 का दूसरा लक्ष्य है, ये हम जैसे ही आपके जेब में पैसा डालेंगे आप माल खरीदना शुरू करोगे, शर्ट पैंट टेलीफोन कैमरा जो भी आप खरीदोगे, और जैसे ही आप माल खरीद शुरू करोगे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां धड़ाम से जंप स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ही फैक्ट्रियां जंप स्टार्ट होगी अधिकार हो 72,000 रुपए हर काउंट में, ये सब सोचने के बाद हम काम करते हैं। हम नरेंद्र मोदी जैसे नहीं है। 8 बजे रात को मुंडल जी ने कहा 500 रुपए 1,000 रुपए का नोट को रद्द कर,
साथ बात नहीं करूंगा, मैं तो बस भाषण में अपनी अपनी बात करूंगा। जानता हूं अगर मुझसे किसी ने किसी दिन सवाल पूछ लिए तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, रियलिटी है। हिंदुस्तान के सामने दो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, सॉरी तीन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसान की समस्या। बेरोजगारी दूर करने के लिए और किसान की मदद करने के लिए क्या किया? उनको ये बताना चाहिए कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों देख रहा है? समझाना चाहिए प्रधानमंत्री को, कहना चाहिए हाँ भैया मैंने पिछले 5 सालों में इतने लोगों को रोजगार दिया। नहीं, मोदी से रोजगार मिला, गब्बर सिंह से रोजगार मिला, मैं बताता हूं रोजगार कैसे मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं, 1 साल के अंदर क्वालिटी को बढ़ देंगे, 10 लाख युवाओं को देश में रोजगार दिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया पिछले 5 साल? इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, आइडिया बहुत अच्छा लगता मुझे, मैंने कहा अच्छी बात है, इंडिया अच्छा आइडिया है, क्या होगा? अनिल अंबानी, अदानी, वही दो नाम है। कितने युवाओं को रोजगार? युवा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, दूसरे युवाओं को रोजगार देना चाहता है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, किसी भी युवा से पूछ लीजिए बताएगा हां मैं करना चाहता हूं, मैं स्टार्टअप इंडिया करना चाहता हूं, मेक इन इंडिया करना चाहता हूं। पर हुआ नहीं, भाषण हुए, हमने पार्टी का तरीका देखी, इतना सुंदर है, हमने उसको हाईलाइट किया, युवाओं के सामने बिजनेस खोलने में सबसे मुश्किल क्या हो, युवाओं से सवाल पूछिए जिन्होंने बिजनेस चालू करने की कोशिश की, उनसे पूछा भैया क्या हुआ कैसा? उन्होंने हमें बता, देखिए भैया हिंदुस्तान में बिजनेस खोलना हो जाके रिश्वत दो, बिजनेस चालू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी, अगर कोई भी युवा हिंदुस्तान में बिजनेस खोलना चाहता है तो 2019 के बाद 3 साल के लिए उसको कोई परमिशन ले, खत्म, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं।